मध्य प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी पहली बार कटनी पहुंचे। प्रथम नगर आगमन में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर कटनी जिला इकाई जिला अध्यक्ष इंजीनियर नवाब खान ने होटल उर्वशी में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका एकत्र होकर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी के स्वागत के लिए मौजूद रहा। रफत वारसी को मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश हज कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किया है। इस दौरान एमकेएन न्यूज के संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी ने रफत वारसी से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी साहब का कटनी प्रथम आगमन हुआ है। हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज को लेके एक भाजपा के लिए कई तरह की भ्रांतियां रहती हैं, और चूंकि रफत वारसी साहब के आने के बाद और इनके द्वारा जो कटनी जिला अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया नवाब खान ने हर ब्लॉक में हर तहसील में अपने संगठन को बढ़ाया है, मजबूत किया है। आज चूंकि रफत वारसी साहब का कटनी प्रथम आगमन है, उसी अवसर पर कटनी जिले के अध्यक्ष नवाब खान ने एक स्वागत समारोह रखा, और यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों को देखते भीड़ ऐसा जरूर लगता है मुस्लिम समाज के बड़ा तबका भाजपा के साथ जुड़ता हुआ चला जा रहा है। हम उसी समय बात करेंगे रफत वारसी साहब से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एमकेएन में। बहुत शुक्रिया। हम आपसे एक छोटा सा, ये जिस तरह से मुस्लिम समाज एक मुस्लिम तबका हमेशा भाजपा को लेके कई तरह की भ्रांतियां रही है, दूरियां बनाकर रखा रहा था, और भाजपा ने भी कई तरह की चीजें ऐसी पैदा की है जिस समाज मुस्लिम और भाजपा के अंदर एक गैप रहा, तो अब चाहिए था कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं आप, तो किस तरह से लेते हैं उसको, क्या कहना चाहेंगे? लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के जितने विपक्षी दल हैं, ये उनके द्वारा फैलाई गई भ्रांतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का साफ नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो इसमें भ्रांति के लिए अब कोई जगह नहीं बचती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जो योजनाएं माननीय मोदी जी चला रहे हों या माननीय शिवराज सिंह जी चला रहे हों, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें मुसलमानों को भरपूर लाभ ना मिल रहा हो। कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई विशेष योजना? मैंने फिर कहा, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम टैग के साथ या अल्पसंख्यक टैग के साथ कोई योजना संचालित नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उसमें भरपूर लाभ मध्य प्रदेश के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिल रहा है। ये थे सदैव राजनीतिक जो अपनी बातों से साफ सुथरे में कहते हुए नजर आए। एमकेएन के लिए जाहिद सिद्दीकी कटनी।